आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज बात करने वाले हैं हम साइड चेन के बारे में। नाउ आप सोच रहे हो साइड चेन पे तो ऑलरेडी आप वीडियोस देख चुके हो, आपको ऑलरेडी साइड चेन के बारे में पता है, तो ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा? ट्रस्ट मी, इंटरेस्टिंग चीज जरूर बताऊंगा। सो दिस इज द प्रोजेक्ट एंड ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए एंड ये काफी अच्छा एग्जांपल है आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रम लूप है एंड यहाँ पे बेस लाइन है, बाकी एलिमेंट्स मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, जस्ट ये दो एलिमेंट्स हैं, एक बार ही सुनते हैं। नाउ दिस इज दी रॉ प्रोजेक्ट जो मेरे पास आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सर पे कुछ भी नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिक्सर पे अगर मैं आपको दिखाऊं सो कुछ भी नहीं है, सारे मिक्सर चैनल्स एम्प्टी हैं। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, ये देख सकते हो ड्रम्स में सिर्फ ड्रम्स ही हैं, एक लूप है, तो अगर मुझे साइड चेन करना है तो मैं साइड चेन कैसे करूँगा? बिकॉज आपने देखा होगा साइड चेन में जब हम करते हैं सो किक के साथ बेस को साइड चेन कर दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपको साइड चेन करना है, अपने मिक्स को क्लीन बनाना है, तो आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है? नाउ टेक्निक तो वही है, किस तरीके से मैंने यूज़ करी है मैं आपको वो बताता हूँ। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे मैंने मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करी है। सो इसको मैं मास्टरिंग वाली चीज़ को अभी हटा देता हूँ, मास्टरिंग वाली चीज़ से मतलब नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ वो जो साइड चेन है वो एग्जैक्टली मैंने कैसे उसको अचीव किया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाऊंगा यहाँ पे ये सेम ड्रम लूप एंड यहाँ पे ये बेस लाइन। तो आप देख सकते हो साइड चेन यहां पे मैंने करा है एंड कितना क्लीन यहां पे आ रहा है, मतलब कितना क्लीन, बिल्कुल ही जो मडीनेस है वो रिमूव हो चुकी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन यू आर हाईली मिस्टेकन, आपको अपने ईयर्स ट्रेन करने की जरूरत है बिकॉज यहां पे कुछ भी नहीं है, ये रॉ जैसा पहले था मैंने आपको वो ही सुनाया है, कोई साइड चेन यहां पे नहीं हुआ है। अब मैं दिखाता हूं एग्जैक्टली मैंने क्या किया है। सो यहां पे ये हमारे पास ड्रम लूप है, एक बारी मैं ड्रम लूप को सिर्फ सुनता हूं, अगर मैं यहां से ये सेक्शन को लूप करता हूं, सिर्फ ये मुझे किक चाहिए बिकॉज किक के साथ ही जो मुझे साइड चेन करना है, सो दिस इज माई किक एंड किक के साथ हैट भी आ रही है, बट मुझे हैट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जस्ट सब फ्रिक्वेंसी जो है, सब की जो मेरी लो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको मुझे साइड चेन करना है, डक करना है ना, सही है। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको कट किया एंड एक न्यू सैंपल बनाया, इस पे करा राइट क्लिक, आई मीन लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मेक यूनिक एज सैंपल कर दिया, तो हमारे पास ये किक आ गई है। अब अगर मैं सिर्फ किक को आपको प्ले करके सुनाऊं तो आप देख रहे हो इसमें आवाज ही नहीं आ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से मैं ऑन करता हूं मिक्सर एंड ये है मेरा, यहां पे एक बारी देखते हैं कौन से चैनल पे है, 5, तो ये 5th पे है एंड यहां पे मैंने क्या किया है, इसकी जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो यहां से वॉल्यूम जाती है मास्टर में, मैंने उसको बंद कर दिया है यहां से। अगर मैं इसको यहां से वापस लेकर आता हूं सो आप देख सकते हो प्ले करूंगा तो किक की साउंड आएगी, तो हमारे पास किक आ चुकी है लेकिन हमें साउंड नहीं चाहिए बिकॉज मुझे साइड चेन करना है बेस के साथ। सो मैंने क्या किया, यहां पे मेरे पास किक तो आ गई है, देन उसके बाद लूप को मैंने देख लिया है कि कहां कहां पे मेरी किक आ रही है, एक बारी देखते हैं, इसको लूप से हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हो जहां जहां पे किक आ रही थी वहां पे मैंने वो जो सैंपल बनाया है किक का वो उसको मैंने प्लेस कर दिया है। नाउ ये वाला जो किक है इसकी साउंड मास्टर पे नहीं आ रही है बिकॉज मास्टर पे आएगी तो वो ओवरऑल ट्रैक के साथ क्लैश करेगा, दो किक हो जाएंगी, तो यहां पे इसकी वॉल्यूम हमने डाउन कर दी है, सिर्फ इसको हमें यूज करना है साइड चेन पर्पज के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो किक को सिलेक्ट करा, जो मेरी सब थी वो थी यहां पे मेरी 18 चैनल पे, देन यहां पे मैंने इसको कर लिया है यहां से राइट क्लिक करके साइड चेन टू दिस ट्रैक। नाउ उसके बाद ये जो सब है इस पे मैंने ऐड किया है किक स्टार्ट टू, किक स्टार्ट टू पे गए एंड उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, उसके बाद प्रोसेसिंग, यहाँ से साइड चेन राइट क्लिक करोगे किक आ जाएगा बिकॉज वहाँ से आपने साइड चेन करा है, राउट किया हुआ है आपने, मेक श्योर यहाँ पे ये इनेबल हो। और उसके बाद यहाँ से मैं आया हूँ ऑडियो पे और उसके बाद अगर मैं आपको सुनाऊँ यहाँ से सब ऑन है, नहीं सब अब ऑन होगी, अब सुनते हैं क्या सही में कुछ फर्क पड़ा भी है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे साइड चेन हो चुका है एंड अब
काफी क्लीन लग रहा है साउंड, एंड आप वो सब फ्रिक्वेंसी सुनी सकते हो, हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स पे सुनोगे तभी समझ में आएगा। मैं ऑन ऑफ करके भी सुना देता हूं आपको एक बारी। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने किकस्टार्ट 2 को ऑन करा है तो वहां पे जो सेकंड किक आ रही है वहां पे हल्का सा एक वो वेव सी आ रही है, जो हमारा बेस है, जो हमारी सब है, उसमें एक वेव सी आ रही है। या अगर मैं किकस्टार्ट 2 को बंद करता हूं तो आप सुन सकते हो वो एकदम ही बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सी एकदम आ रही है, जो कि मडी बना रही है हमारे ट्रैक को। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो या फिर अगर आपके माइंड में नहीं आया था तो अब आ जाएगा। अगर मैं यहां से सिर्फ सबको सोलो करता हूं, सोलो कर लिया है, ये वाला जो मेरा किक था जिसकी साउंड नहीं आ रही है, जस्ट वो साइड चेन पर्पस के लिए यूज हुआ है, अगर मैं उसको ऑफ करता हूं एंड यहां से इसको प्ले करता हूं, आप देख सकते हो अब साइड चेन नहीं हो रहा है। यहां पे इवन जो किक स्टार्ट प्लगइन है वो ऑन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज जिस सिग्नल से वो साइड चेन होना था वो सिग्नल ही ऊपर म्यूटेड है। आई नो आपको साइड चेन करना आता है बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, एंड मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, साइड चेन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल है। ये जो मैंने ट्रिक बताई है आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज जतन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।